गलवान घाटी पे कितना बड़ा झूठ बोला था सरकार ने, बोला था झूठ, बहुतों ने बोला था गलवान घाटी पे एक बार बोल करे गए थे। अब सुन लो गलवान घाटी वाला झूठ, वहां पर चाइना ने रोड बना दिया भाई। जब ये बोला था वो जमीन किसी की नहीं, जमीन हमारी है, तो चाइना ने रोड कैसे बना दिया? वो वहां पर अपने बंकर बना रहा है, कैसे बना रहा है? सरकार का पहला झूठ, और इतना बड़ा झूठ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। झूठ नंबर एक। झूठ नंबर दो, पुलवामा। पुलवामा हमले की आज तक जांच नहीं हुई है। बोला था ना कि जांच बिठा दी है, उसकी पूरी जांच होगी, ये होगा, कोई जांच नहीं होगी उसकी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारियो, ये तो सारी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार रज के झूठ बोलती है, ते भारत दी आवाम दी अखां विच कट्टा पाण वास्ते ओह कोई कसर नहीं छड़दी। आर्मी दे जवानां दे वी मुंह बंद करन दी इह सरकार आए दिन कोशिश करदी रहिंदी है, ते जागदियां समीरां वाले कुछ आर्मी दे जवान लाइव हो के इन्हां सरकारां दी असलियत आवाम दे सामने रखदे ने कि किद्दां इह अपनियां सियासी रोटियां सेकण वास्ते सीमा ते तैनात जवानां दी बली खुद देंदे ने। गवांडी मुल्कां दे नाल लड़न दी इजाजत ए नहीं देंदे, क्योंकि इन्हां ने अपनियां सियासी रोटियां सेकणियां हुंदियां ने। सब तो वड्डे तीन झूठ एक आर्मी दे ही जवान ने भारत की आवाम नूं दसे इस घटिया सरकार दे। बेशक गुलवान घाटी का मामला होवे, पुलवामा हमला होवे, या पीटीआई टीचरां दा मामला, आखिर केड़े ओ वड्डे झूठ ने जड़े एक तो बाद एक इस सरकार ने भारत की आवाम नूं बोले ने। आखिर क्यों सुशांत सिंह राजपूत के कतल केस की सीबीआई नूं जांच दे दित्ती गई, पर पुलवामा की जांच अजे तक किसी नूं नहीं दित्ती गई? क्यों यह जांच 22 फौजी जवानों की हुई शहादत इन्हां भुला दित्ती? आओ जानते हैं, सुनते हैं फौजी जवान की ही जुबानी। लग रही है रिपोर्ट शुरू हो गई है वीडियो की, इसलिए मैंने पहले बताया था रिपोर्ट लगेंगी। रिपोर्ट लगा उससे पहले अपनी बात शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो भाई मैंने बहुत पहले एक बात बताई थी, गलवान घाटी पे कितना बड़ा झूठ बोला था इस सरकार ने, बोला था झूठ, बहुतों ने बोला था गलवान घाटी पे एक बार बोल करे गए थे। अब सुन लो गलवान घाटी वाला झूठ, वहां पर चाइना ने रोड बना दिया भाई। जब ये बोला था वो जमीन किसी की नहीं, जमीन हमारी है, तो चाइना ने रोड कैसे बना दिया? वो वहां पर अपने बंकर बना रहा है, कैसे बना रहा है? सरकार का पहला झूठ, और इतना बड़ा झूठ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। झूठ नंबर एक। झूठ नंबर दो, पुलवामा। पुलवामा हमले की आज तक जांच नहीं हुई है। बोला था ना कि जांच बिठा दी है, उसकी पूरी जांच होगी, ये होगा, कोई जांच नहीं होगी उसकी। कल फिर पुलवामा में मुठभेड़ हुई थी, जवान शहीद हुए हैं, कौन जवाब देगा भाई उनका? जो 43 जवान पहले शहीद हो गए थे, 22 जवान गलवान में शहीद हो गए थे। क्यों ये सरकार बार बार जवानों के ऊपर राजनीति करती आ रही है भाई? कब तक बार बार ये जवानों के ऊपर राजनीति करेगी सरकार? फिर बोलते हैं कि एक सैनिक होगा आवाज, वो मत कर, ये मत ना बोले, सरकार के खिलाफ मत बोल। क्यों नहीं बोले भाई सरकार के खिलाफ? अगर ये सरकार जब तक सैनिकों के ऊपर राजनीति करती रहेगी ना, बिना बात के सैनिकों को शहीद करवाती रहेगी, बिना बात के, कोई वो नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में सैनिकों को शहीद करवा रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में। दे दिया पुलवामा का जवाब, आज तक नहीं दिया। एक कोई नाचने गाने वाला मर गया, उसका सीबीआई जांच, ईडी जांच, पता नहीं कौन कौन सी जांच चल रही है उसकी। पुलवामा की जांच करवा दो ना, नहीं करवाए ना? श्रीलंका छोटा सा देश, जिसके अंदर छोटा बम ब्लास्ट हुआ था, जेंड कैसे पकड़ कर ले गए थे लोगों को, जेंड के तक उसके तार ढूंढ दिए थे उन्होंने, अगले ही दिन एक हफ्ते के अंदर अंदर जेंड कैसे जो उधर के मुजरिम थे उनको पकड़ के ले गए थे और देना पड़ा था इंडिया को। और पुलवामा की जांच आज तक नहीं, 2-2.5 साल हो गए, उसकी जांच की आज तक नहीं की कोई भी जांच, और ना ही जांच होगी। कितना ही चिल्ला लेना, कोई जांच नहीं होगी इसकी। झूठ नंबर दो, पहला झूठ गलवान घाटी पुलवामा का हमले का था, गलवान घाटी का झूठ था। तीसरा झूठ, जो ये 1983 पीटीआई टीचर निकाले थे, इनको नहीं लिया। अभी 6000 जेबीटी टीचर निकाले जाएंगे, 6000, ध्यान से सुन लेना, 6000 जेबीटी टीचर निकाले जाएंगे, जिनको की नोटिस दे दिया गया है। 6000 जेबीटी टीचर निकाले जाएंगे हरियाणा के अंदर से। कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, ना ही कोई आवाज उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? नंबर सबका आएगा, बहुत पहले बताई थी मैंने, नंबर सबका आएगा। 1983 पीटीआई टीचर आज तक रोड के ऊपर बैठे हैं, अब इनके साथ 6000 जेबीटी टीचर बैठे। गुरु प्यारे, अगर असी इना घटिया सरकारां तो छुटकारा पाना है, तो सानू यह दृढ़ निश्चय करना होगा, भारत के असी जिस मर्जी खूंजे दे विच क्यों ना वसदे होइए, पर अजिहियां पार्टियां जो साल दर साल दहाके दहाके सानू नोचदियां आईयां ने, साडा फायदा चकदियां आईयां ने, असी उहनां तों छुटकारा लईए। बेशक गल भाजपा की होवे या कांग्रेस की, ये वो पार्टियां ने जिन्हां ने हमेशा रज के आवाम का खून पीता है, खून बहाया है, लाशों उत्ते रोटियां सेकियां ने। इसलिए हुण हर सूबे का फर्ज बनता है कि अपने इलाके दे विच नौजवानां नूं
खड़ा किया जाए, नौजवान तैयार किए जाने जो हक सच की आवाज़ बुलंद करते हो, जिन्हों कुर्सी का लालच ना हो, जिन्हों सत्ता का लालच ना हो, जिन्हों सिर्फ तो सिर्फ लालच होवाम की खुशहाली का अमनो शांति का भाईचारक सांझ का उम्मीद करते हैं। तुम इन गलों वाल जरूर ध्यान दोगे, विचार चंगे लगे हूँ वीडियो लाइक तो शेयर जरूर करना, बाकी अपन भावनावान नीचे कमेंट्स के व्यक्त कर सकते हो। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। सिख धर्म की हर गतिविधि गुरबाणी वास्ते हुने सब्सक्राइब करो गुरबाणी अखंड बाणी, नोटिफिकेशन वास्ते बैल नूं रिंग करो।